देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर। गुड मॉर्निंग शिल्पा। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। हाँ लास्ट थिंग हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किए थे, जिसमें शायद हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था ना, सिर्फ इलस्ट्रेशन टू। अच्छा उसमें दो चीज मुझे थोड़ा सा ठीक करवाना है। ठीक करवाना इन द सेंस कि यहाँ पर एक दूसरे एजम्पशन के साथ क्वेश्चन होगा, तो एंट्री में मुझे थोड़ा सा जस्ट चेंज करवाना है। ठीक है, हम एजम्पशन भी लिखवा देते हैं, तुम लोग का एजम्पशन याद रखना नेसेसरी नहीं है, सिर्फ एंट्री को तुम लोगों को देख लेना है कि क्या होगा। तो देखो हम बता देते हैं, यहाँ पर एक पीएल का कंसेप्ट आया था ना कि हम लोगों ने उसको इंटरेस्ट को क्यों डीआरआर में ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि मैंने तो डीआरआर लिखवाया था। सबसे पहले उसको थोड़ा सा हम रेक्टिफाई करवा देते हैं। तुम लोग इसको डीआरआर नहीं लिख के, डीआरआर भी होता है लेकिन तुम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला गया है उसमें तुम लोग को इसको पीएल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और क्यों करना है उसका एजम्पशन जो दिया गया है वो कुछ ऐसा है, चाहो तो लिख लो अपने समझने के लिए, बाकी इसको पीएल कर देना। इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन डीआरआर, डीआरआर में जो इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा डीआरआरआई। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इज जनरली नॉट री इन्वेस्टेड बट इट इज यूज इन बिजनेस, यूज इन बिजनेस। Hence credited to PL. समझा देते हैं कि assumption क्या है। मतलब कुछ नहीं, तुम लोग को DRR के जगह उसे PL में दिखाना पड़ेगा। उसका कारण क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो DRRI में हमें इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिल रहा है वो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये फ्यूचर में क्या होगा, री इन्वेस्ट नहीं होगा। री इन्वेस्ट का मतलब मेरे FD, मैंने मान लो 1 लाख का FD किया, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर मेरा वो FD का वैल्यू हो गया है 1,08,000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया 1,08,000। अब हम चाहे तो ये पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि मेरा FD मान लो 1 साल का ही था, और अगर चाहे तो हम दोबारा से किसी स्कीम में इसको क्या कर सकते हैं, रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है रीइन्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर जब रिडीम होगा उतने दिन के लिए शायद ब्लॉक करेगा ये लोग इस एजम्पशन के साथ कि ये रीइन्वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये यूज करेंगे बिजनेस में। अगर ये पैसा मान लो 8,000 मुझे रीइन्वेस्ट नहीं करना है तो इस 8,000 को हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम अपने काम में लगा सकते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर भी ये लोग बिजनेस में लगा लेगा, तो बिजनेस में लगाने से ये क्या करेगा, जैसे तुम लोग पीएल में बाई इंटरेस्ट लिखते हो इंटरेस्ट का इनकम, वैसे लिखना है, ये चीज बोला है। ठीक है, तो ये असम्पशन ये लेके क्वेश्चन करना है तुम लोग को, तो इसीलिए तुम लोग DRR मत लिखना, बाकी वो गलत नहीं है लेकिन तुम लोग को टू PL लिखना है। और एक चीज भी यहाँ पर चेंज कर लो, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो रहा है ना, जब हम लोग डिवेंचर को प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो मैंने लिखा है था कि DRR से इस प्रीमियम को राइट ऑफ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी बोल रहा है नहीं PL का यूज कर। ठीक है, तो फिर PL कर दो, जैसा बोल रहा है इंस्टीट्यूट वैसे ही कर देंगे, PL का यूज करो, PL टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बाकी सब ठीक है हम लोग का, बस ये दो चेंजेस तुम लोग इस पे अप्लाई कर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, बस वही दो चीज मुझे ठीक करवाना था। तो मुझे नहीं लगता है अब इसमें तुम लोग का कोई भी कंफ्यूजन होगा, जो भी हम लोग का यहाँ पर DRI का इन्वेस्टमेंट का जो भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो हम लोग का कहाँ पर चला जाएगा, PL में क्रेडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर इसीलिए PL नहीं आया था, तो ये मैंने बोला था बाद में बता देंगे, अभी ऐसे ही रहने दो, तो फिर ये सोल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा जब वो PL में जाएगा। अच्छा अब हम लोग इसके बाद इलास्ट्रेशन 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। अच्छा मैंने बोला था कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाओगे कि DRR बना है नहीं बना है, वो तो क्वेश्चन नहीं देगा तो समझ में आ जाएगा किसको DRR बनाना है किसको DRI बनाना है। तो तुम लोगों को जो भी मैंने बताया था वो तो थियोरिटिकल पर्पज में बताया था, वो तुम लोग को याद रखना है, बट यहाँ पर तुम लोग पढ़ के समझ जाओगे कि ये कंपनी को हमें DRR और DRI
आरआई बनवाना है, यानी डीआरआई बनाना है कि नहीं बनाना है। बोल रहा है कि बैलेंस शीट कब का दिखा रहा है, 31 दिसंबर 2021, 6% मॉर्गेज, 10,000 डिवेंचर। मॉर्गेज डिवेंचर का मतलब, हाँ मतलब सिक्योर्ड है ना, मॉर्गेज डिवेंचर का मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर है। 6% का मतलब उसका इंटरेस्ट का रेट होता है। 10,000 मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर, 100 मतलब फेस वैल्यू, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मतलब डीआरआर इन्होंने क्रिएट कर रखा है फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो तो रिडेम्पशन पर्पस पे ही बनता है। कितने का, 50,000 का। तो क्या ये सही बना है, मतलब इसका तो एक रूल्स होता है ना, कितना बनाना पड़ेगा, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का वैल्यू पे बनाना पड़ता है। तो देखो ये सही है कि गलत। गुड मॉर्निंग कुशल। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ तो देखो मैंने क्या बोला था, डीआरआर हमारा कितना बनना चाहिए, फर्स्ट तो वो चेक करेंगे ना। देखो लास्ट दिन जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, मैंने तुम लोग को यहाँ पर एक लिखा था ना कि हमें कैसे स्टेप फॉलो करना चाहिए, डीआरआर कितना होना चाहिए, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर क्या है, अगर 10,100 डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर 100 इज, तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना होगा, कितना हो रहा है ये, 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना होना चाहिए, डीआरआर का कैलकुलेशन बता रहे हैं 1 लाख। तो क्या 1 लाख इनका डीआरआर में है, कितना है, 50,000 है। तो हमें और कितना इस पे क्रिएट करना पड़ेगा, 50,000। कहाँ से क्रिएट होता है, फ्री रिजर्व से। तो कुछ नहीं होगा तो हम लोग पीएल लिखेंगे, यहाँ तो कुछ फॉर्मेट नहीं है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली पीएल लिख सकते हैं, फ्री रिजर्व में। फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद ए शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन 1,50,000। मतलब इन्होंने क्या किया है, एक इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, मतलब किस चीज का बात हो रहा है, डीआरआई का। कहाँ पर किया, शेड्यूल बैंक में किया, चलो कहीं पर भी करो, उससे हमें कुछ ज्यादा यहाँ नहीं है। नो चार्ज और लियन मतलब फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन का मतलब है किसी तरीके का मॉर्गेज वगैरह का यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, 1,50,000। ये कितना बनना चाहिए, 15% ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जितना डिवेंचर रिडीम होगा उसका 15%। तो कितना डिवेंचर रिडीम होगा, यहाँ पर देखो बोला है डिवेंचर वेयर पेड ऑफ, मतलब सारा ही बोला है। देखो यहाँ पर तो बोला नहीं कि 10,000 में से इतना करेगा उतना नहीं करेगा, तो 15% ऑफ फिर कितना होगा, 10 लाख, क्योंकि 10 लाख ही तो रिडीम करने वाला है, तो कितना होना चाहिए, 150, ठीक है। तो 150 का ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फिर इसको हमें और कुछ इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है। और ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना था, 4% पर एनम। कब रिसीव होता था, वो 31 दिसंबर एवरी ईयर। मतलब ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कब मिलता है, 31 दिसंबर को मिलता है। अच्छा इंटरेस्ट ये बोल दिया। फिर बोल रहा है ऑन फेब 28 2022, तो 28 2022 को द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड। यहाँ पर इन्वेस्ट रियलाइज्ड का मतलब क्या, सेल कर देना, सेल कर दिया है डीआरआई को, ठीक है। तो बोलो यहाँ पर तो लास्ट इन्वेस्टमेंट मिला, इंटरेस्ट मिला होगा, अब जब यहाँ पर सेल होगा तो इस बीच में कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, जैन और फेब 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ बेच रहा है, क्योंकि यहाँ डिसीजन लिया था कि डिवेंचर को रिडीम करेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे रियलाइज हुआ है, पर वैल्यू पे। पर वैल्यू पे होने से नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ एट 101। लेकिन डिवेंचर को 100 के जगह कितना हम लोग पे कर रहे हैं, 101। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम में पे करना, इसे हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम, ठीक है। कितना प्रीमियम है पर डिवेंचर पे, 1 रुपीज का, और उसके साथ एक्रूड इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। अभी एक्रूड इंटरेस्ट का बात क्यों हो रहा है, देखो डिवेंचर का इंटरेस्ट कब दिया जाता है, बोला यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, यानी ईयरली मानेंगे, तो इनका ईयर कैसे लिया जा रहा है ये देखो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू, पहले कितने तक का इंटरेस्ट दे चुका है कंपनी, 31 दिसंबर 2021 तक डिवेंचर का इंटरेस्ट कंपनी ने क्लियर कर रखा है। उसके बाद कंपनी ने 28 फेब को डिवेंचर को रिडीम करने का सोचा, तो फिर अगर और भी दिसंबर के बाद जितने दिन उसने लोन रखा था, ये तो लोन है, तो उतने दिन का लोन का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको दिया जाएगा, पब्लिक को, यानी डिवेंचर होल्डर को। हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, देखो नेसेसरी लेजर, नेसेसरी लेजर हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है।
चलो हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करके देखते हैं नेसेसरी लेजर क्या होगा. ठीक है देखो इलास्ट्रेशन वन नेसेसरी लेजर बोला है तो अब देखो कैसे समझोगे लेजर नेसेसरी कौन कौन सा होगा. तो थोड़ा थोड़ा तुम लोग अगर एंट्री याद कर लोगे तो आसानी से समझ जाओगे कि कौन कौन सा लेजर जो है तुम लोगों के लिए नेसेसरी लेजर है. पहले ना हम लोग एक टाइमलाइन बना लेते हैं. देखो इससे हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा. 31 दिसंबर दिया हुआ है एक डेट. देखो 31 दिसंबर देखो एक डेट हम लोग का दिया हुआ है 31 दिसंबर एवरी ईयर. देखो क्या क्या बोला है. फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2021. मतलब जो भी डिटेल्स दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 का. उस समय कंपनी का लोन डिवेंचर कितना दिख रहा है 6% 10,100 इज. ठीक है तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे बना लो तो समझ में आ जाए. इसको हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ कंपनी का लोन कितना दिख रहा है 6% मॉर्गेज डिवेंचर कितना करके है 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच. ये कब दिख रहा है 31 दिसंबर 2000 ईयर कौन सा था 21 यहाँ देखने से पता चले. अच्छा फिर उसके बाद बोल रहा है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिख रहा है उस दिन कितना 50. इसी डेट में देखो इसी डेट में हमें डीआरआर कितना दिख रहा है सेम इसी डेट में हमें डीआरआर दिख रहा है 50,000 का. और सेम इसी डेट पे हमें डीआरआई दिख रहा है कितने का 1,50,000 का. ठीक है डीआरआई जो है ये दिख रहा है हम लोग को 1,50,000 का जिसपे इंटरेस्ट कितना मिलता है एट द रेट ऑफ 4%. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही दे रखे हैं 4% पर एनम क्लियरली बोल दिया है 4% पर एनम. और कब रिसीव होता है दिसंबर को ही रिसीव होता है. कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है दिसंबर 31 दिसंबर हर साल रिसीव होता है. मतलब इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट अभी अभी रिसीव हुआ होगा क्योंकि 31 दिसंबर इंटरेस्ट 4% पर एनम. रिसिप्ट कब होता है रिसिप्ट होता है 31 दिसंबर एवरी ईयर. तो 2021 को भी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा. अब बोल रहा है बैंक बैलेंस कंपनी का 9 लाख है. अच्छा यहाँ ना कंपनी का बैंक बैलेंस भी है. बैंक में कंपनी का कितना पैसा दिख रहा है बोल रहा है 9 लाख का इनका बैंक बैलेंस है. ठीक है फिर यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे होता है पे हो चुका है 31 दिसंबर 2021 तक. तो 31 दिसंबर 2021 तक डिवेंचर इंटरेस्ट पेड इस डेट तक पेमेंट करके क्लियर है डिवेंचर का इंटरेस्ट. ठीक है अब कंपनी ने क्या सोचा है देखो ऑन फेब 28 2022 वो कब आएगा फेब 28 2022 कब आएगा यहां पर मान लो. ठीक है तो 28th of Feb 2022 यहां पर कंपनी ने डिसीशन लिया है कि कंपनी क्या करेगी इन्वेस्टमेंट बेच देगी रियलाइज्ड. ठीक है तो इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट पार. पार का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 1,50,000 का डिवेंचर 1,50,000 में ही सेल होने वाला है हो गया है. ठीक है और एंड द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ एट 101 और यहां पर रिडेम्पशन भी होगा रिडेम्पशन एट द रेट ऑफ 101. यही तो बोला है क्वेश्चन में और तो कुछ बोला नहीं है. लेकिन अगर हम लोग डेट नहीं लिखेंगे नहीं समझ में आएगा. टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट ये देखो प्लस क्या होगा इंटरेस्ट जो एक्रूड है. एक्रूड क्यों होगा अगर मैंने किसी से लोन लिया और उसको यहां तक का इंटरेस्ट दिया फिर 2 मंथ्स बाद बोल रहे हैं हम आपका लोन रीपे कर देंगे तो ये 2 मंथ्स का इंटरेस्ट तो वो लेगा. ठीक है तो ये जो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है यहां से यहां तक का कितना टाइम हो रहा है दिसंबर के बाद जैन फेब. ठीक है पूरा 2 मंथ्स. 2 मंथ्स का हमें क्या क्या मिलेगा 2 मंथ्स का हमें डिवेंचर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा और रिसीव क्या होगा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या होगा रिसीप्ट हो. ये बात के लिए मैंने ये टाइमलाइन लिखवाया ताकि ये गैप जो क्रिएट हो रहा है क्यों हो रहा है ये तुम लोग समझ पाओ नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि क्या होगा. ठीक है अच्छा अब हम लोग यहाँ पर
अपना जो लेजर नेसेसरी लेजर बनना चाहिए वो बनाते हैं। अच्छा, अब नेसेसरी लेजर मतलब क्या होता है? बेसिकली जो इम्पोर्टेंट लेजर होता है वही मेरा नेसेसरी लेजर होगा। अच्छा, अब देखो, अब एग्जाम टाइम में क्या पूरा जर्नल एंट्री लिखने में तो टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग जर्नल एंट्री जो है थोड़ा थोड़ा सोच तो सकते हैं, ठीक है? तो सोचो, सबसे पहले जब भी डिवेंचर रिडेम्पशन का बात आएगा, कंपनी क्या करेगी? देखो, डिवेंचर तो वो पहले इश्यू कर रखी, सबसे पहले वो सोचेगी मेरा DRR बना हुआ है कि नहीं, ठीक है? तो DRR तो बना हुआ है लेकिन inadequate है, तो उसे DRR और भी बनाना पड़ेगा। तो DRR कितने का होना चाहिए था? 1 लाख होना चाहिए था और 50,000 का बनेगा, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? प्री रिजर्व टू DRR, तो हम लोग PL से बनाएंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, तो प्री रिजर्व में क्या मानेंगे? PL टू DRR होगा। तो सबसे पहला एंट्री ना हम लोग का यही होना चाहिए, PL टू DRR, ठीक है? हम एक बार ना लिखवा देते हैं ताकि तुम लोग को एक कंफर्मेशन मिल जाए, फिर हम लेजर करवा देंगे। छोटा छोटा करके मतलब इन शॉर्ट लिखवा देते हैं, तो थोड़ा लिख लो। PL टू DRR कितना बनेगा? 50,000। क्यों? क्योंकि inadequate है, 50,000 पहले से ही है, ये वाला एंट्री हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो बना हुआ ही है, हम लोग न्यू DRR जो क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज हमारा इनसफिशियंट है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इसके बाद DRR को हम लोगों ने फुलफिल कर लिया, DRI का कोई भी चेंजेस का जरूरत नहीं है, वो एज इट इज है। इसके बाद हम लोग 28 फेब को क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव करेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे डिवेंचर होल्डर को। तो इंटरेस्ट रिसीव करने का एंट्री क्या होगा? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर DRI लिख सकते हो। कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा? तो फेस वैल्यू कितना है? ये पूरा फेस वैल्यू पे ही दिया हुआ है, 1,50,000 इंटू 4% करके ईयरली मिलता है, तो 2 मंथ्स का कितना मिलेगा? 2/12, तो देखो कितना होता है, 1,000। तो ये इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, और इंटरेस्ट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? आज मैंने चेंज करके बताया, PL में। इंटरेस्ट ऑन DRI टू क्या हो जाएगा? PL। कितना हो जाएगा? वही 1,000, ठीक है? ये वाला एंट्री हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर एंट्री में क्या लिखेंगे? फोर्थ नंबर एंट्री में अब हम लोग DRI को सेल कर देंगे, इन्वेस्टमेंट जो हमें मतलब डिवेंचर जो हमें रीपे करना है, तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, कितने में मिलेगा? बोल दिया है, देखो मैंने सारा चीज लिख लिया, क्वेश्चन देखने का ही और जरूरत नहीं होगा। कितना मिलेगा? 150 पे, 150 पार पे जो है रिडीम हो रहा है ना, सॉरी रिडीम बोलते हैं इसे, सॉरी सेल हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कम था, मैंने DRI एक्स्ट्रा बना लिया, फिर मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टमेंट पे, फिर उस इंटरेस्ट को PL में ट्रांसफर किया, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद अब हम डिवेंचर होल्डर को क्या कर सकते हैं? ड्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे उसका इंटरेस्ट का डेटा भी ड्यू करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिवेंचर पे, तो कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू क्या हो जाएगा? किसको देते हैं? डिवेंचर होल्डर को, ठीक है? तो कितना होगा? डिवेंचर कितना था? 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100 वो रिडेम्पशन वैल्यू है, उससे कंफ्यूज मत हो जाओ। डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा उसके पर वैल्यू पे ही दिया जाता है, चाहे इशू प्रीमियम पे हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू होता है, मार्केट की वजह से वैल्यू फ्लक्चुएट होने का बात अलग हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का 100। वैसे डिवेंचर में ऐसा होता नहीं, मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिर भी 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू पे होगा, हमेशा याद रखो। इंटरेस्ट का रेट डिवेंचर का था 6% इंटू 2/12, 2 मंथ्स का जो हम लोगों ने उसके बाद होल्डिंग, क्योंकि उसके पहले तो इंटरेस्ट क्लियर था 31 दिसंबर तक, इन बीच में जो 2 मंथ्स का होगा कितना हो रहा है? 10,000। अब ये इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा? ये तो ड्यू किया था बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा जब हम लोग इंटरेस्ट पे कर देंगे। अच्छा, ये तो हम लोगों ने इंटरेस्ट पे कर दिया जो कि उनका ड्यू हो गया था, हम लोग का कितने मंथ का? 2 मंथ्स का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिवेंचर को ड्यू करेंगे, पे करने वाले 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 लाख, 10,000 इंटू 100, यहाँ पर वैल्यू कैसे लिखेंगे? 10,000 इंटू 100 कितना होगा? 10 लाख। फिर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम कितना दिया जा रहा है? 10,000 डिवेंचर पे 1 रुपीज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 टू क्या हो जाएगा? डिवेंचर
होल्डर ड्यू एंट्री कर रहे हैं ना, डिवेंचर होल्डर कितना हो जाएगा? 10,10,000. मैंने 10.10 लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लो, ठीक है, यहाँ जगह नहीं हो रहा ज्यादा. फिर उसके बाद जब पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगा? डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितना हो जाएगा? वही 10,10,000, ठीक है, 10,10,000. और लास्ट में एक एंट्री करना होता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्लोज करना होता है. तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में वैल्यू कितना था? 1,00,000 का था. वो वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में, ठीक है. वो मैंने एंट्री वहां नहीं लिखवाया, लेकिन लास्ट दिन भी बताया था, अभी भी बता रहे. तो ये हम लोग का हो गया 1,01,00,000. जितना DRR का वैल्यू रहेगा वो पूरा का यहाँ पर हम लोगों का क्लोज हो जाएगा. अच्छा, और लास्ट में और एक एंट्री करना पड़ेगा. मैंने क्या पीएल में ट्रांसफर किया था ना, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर किया था. अच्छा, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को जो है हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, वो मैंने नहीं लिखवाया, उसको भी लिख लो यहाँ पर. 10th नंबर में लिख देते, क्या एंट्री होगा? पीएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है. लगभग ये सब एंट्री होगा. तो एंट्री का तुम लोग को एक आइडिया मिल गया. देखो, हमें तो लेजर करना है. मैंने एक बार एंट्री इसीलिए लिखवा दिया ताकि तुम लोग को पुट करने के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो कि क्या होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा रफली लिखवा दी. जूम करके दिखा, DRR to GR. तो इससे अगर तुम लोगों को जर्नल एंट्री भी देगा तो भी तुम लोग कर सकते हो. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या क्या हम लोगों का मेन मेन लेजर. POR माने? POR माने मैम प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. अच्छा, प्रॉफिट तो होच्छे ना, 100 টাকা ডিভেঞ্চার 100 একে পেমেন্ট হচ্ছে, লস হচ্ছে, ठीक है. तो ये तुम लोग को पता भी है कैसे करना है, क्योंकि एंट्री तो मैंने लास्ट दिन लिखवाया ही था. आज एंट्री करने का भी हमें जरूरत नहीं था, क्योंकि बोला तो लेजर बनाने के लिए था, लेकिन अब हम लोग लेजर बना सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले कौन कौन सा लेजर बन सकता है, तुम लोग अपना जर्नल से ही देखो. जैसे कि देखो, पीएल टू DRR, तो एक हमारा कौन सा बनना चाहिए? पीएल तो उतना नेसेसरी नहीं होता है, DRR बनना चाहिए, ठीक है. एक DRR बनना चाहिए, एक क्या बनना चाहिए हम लोगों का? DRI बनना चाहिए, है ना. और एक डिवेंचर बनना चाहिए. अच्छा, और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी बना सकते हैं, ठीक है. और एक डिवेंचर इंटरेस्ट, एक बैंक, ये कुछ बनना चाहिए, ठीक है. तो चलो, मेन मेन क्या क्या हो सकता है वो हम लोग बनाते हैं. अब हम लोग मेन सॉल्यूशन में जाते हैं, जो कि हमें करने के लिए क्वेश्चन में बोला है. सबसे पहले हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे उसमें लिखो 6% मॉर्गेज डिवेंचर. मॉर्गेज डिवेंचर अकाउंट ये छोटा सा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एंट्री क्या लिखना पड़ेगा, कितना डिवेंचर था और कितना ड्यू हो रहा है. तो ये बस छोटा सा ही अकाउंट होना चाहिए. उसके बाद, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम में हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी चाहो तो तुम लोग बना सकते हो. कम मत बनाओ, जब भी हमें नेसेसरी लेजर बोले ना तो हमें कम नहीं बनाना चाहिए. एक आधा अगर ज्यादा भी बना देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा तभी बना पाओगे ना अगर तुम लोग को पूरा एंट्री पता होगा. तो पूरा एंट्री पता होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, मैंने ये शॉर्टकट में लिख दिया, तुम लोग अगर पूरा लिखोगे पूरा लिख लो. DRRI का मतलब तो पता है ना, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट. उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब मेनली जो भी हमें ट्रांजैक्शन बोला है ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो टाइमलाइन पे, उसी के बेसिस पे अगर अकाउंट बना लेंगे तो वो नेसेसरी लेजर के अंडर ही आ जाएगा. डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बना लो. डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बना लो. और एकदम एंड में हम लोग बना लेते हैं एक बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में जगह ज्यादा रखना पड़ेगा, बाकी सब छोटा छोटा जगह रखने से भी होगा, एक एक लाइन ही लिखना पड़ेगा. देखो कैसे करके फिलअप करोगे, पहले ये टाइम लाइन में आते हैं. देखो यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर से जो भी लिखा हुआ है वो क्या है बोल सकते हो? वो सभी बैलेंस है, किसी ना किसी चीज का क्या है, बैलेंस है. तो जो भी अकाउंट बना हुआ है ये बैलेंस में से जो बैलेंस जहां पर जैसे जाएगा वहां पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है. सबसे पहला बैलेंस क्या लिखा हुआ है मेरे यहाँ पर? 6% मॉर्गेज डिवेंचर. तो ये कहां पर जाना चाहिए? डिवेंचर में जाएगा. तो लिखो
किधर लिखना पड़ेगा, डिवेंचर लोन होता है तो लोन का डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा कि क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस लिख रहा है तो 11 कितना लिखेंगे, 1122 बाई बैलेंस बीडी कितना लिखना पड़ेगा, 10,000 डिवेंचर है 100 करके तो कितना हो जाएगा 10 lakh। अच्छा इसके बाद हम लोग का और भी कुछ देखो, यहाँ पर बैलेंस है डी आर आर में है कितना 50,000। डी आर आर क्या क्या होता है, फंड है तो लाइबिलिटी होता है ना, ये तो एक तरह का रिजर्व या फंड है, तो इसका किधर जाएगा बाई साइड में, हाँ तो 1 Jan 22 को बाई बैलेंस बीडी 50,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बैलेंस है, नेक्स्ट हम लोग का डी आर आई का मैंने लिखा हुआ है 1,50,000, ये कहां पर जाएगा, डी आर आई में जाएगा लेकिन किधर जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा ना, एसेट है तो यहां पर 1122 टू बैलेंस बीडी 1,50,000। ठीक है अच्छा ये हो गया हम लोग का डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा इसके बाद यहाँ पर बोला है कि इससे इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है तो इंटरेस्ट यहाँ तक तो रिसीव हो चुका है, हर साल कब होता है 31 दिसंबर, तो इस डेट में तो रिसीव हो चुका है, तो अभी कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हम लोग कहाँ पर है, कौन से डेट पे है, 31 दिसंबर पे है, जब आगे चलेंगे तो आगे का सोचेंगे। अब बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में 1122 टू बैलेंस बीडी 9 lakh था तो 9 lakh लिख देंगे। ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया, पहले सभी बैलेंसेस को लिख लिया। अब कंपनी ने ना डिसाइड किया है कि 28th February को कंपनी जो है डिबेंचर रिडीम करने वाली है, तो सबसे पहले कंपनी को यह सोचना चाहिए कि उसका डीआरआर और डीआरआई एडिक्वेट है कि इनएडिक्वेट है, पहले वो सोचेंगे उसके बाद बाकी एंट्री करेंगे। तो डीआरआर कितना होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 10% जो कि होता है यहाँ पर 1 lakh, तो देखते हैं DRR में कितना है 50,000, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को लॉ के एक्ट पर लाना पड़ेगा, तो DRR और भी बनेगा तो ये इधर ही लिखना पड़ेगा, नॉर्मल सा बात है, अगर मुझे इसमें एड ऑन करना है तो लिखना तो इधर ही पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 50,000 क्योंकि 50,000 का शॉर्टेज हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा, मतलब एंट्री क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बाय पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में कितना लिख देंगे 50,000। ठीक है ये इतना हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हो गया। अच्छा अब डीआरआई का भी चेकिंग करो, डीआरआई का कितना होना चाहिए, क्योंकि सभी डिवेंचर रिडीम हो रहा है तो इसका 15% यानी कि 1,50,000 होना चाहिए, तो ये एडिक्वेट है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है तो पहले हम लोगों ने 31 दिसंबर में ही ये सारे चीजों को कर लिया है चेक, तो हम लोग यहाँ से आगे चल सकते हैं। अब आगे ट्रांजेक्शन कहाँ पर हो रहा है, देखो इस बीच कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 28th February को जो भी ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि हमें एंट्री तो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे ही करना पड़ता है। 28th February में कंपनी ने क्या-क्या ट्रांजैक्शन किया, कंपनी ने बोला हम डिवेंचर को रिडीम कर देंगे, ठीक है करो, लेकिन उसके पहले अगर कोई डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो पे कर दो, और अगर इन्वेस्टमेंट से इन्हें कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ये रिसीव करेंगे। ठीक है तो ये दो काम पहले करना पड़ेगा। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक एंट्री कर सकते हैं, मतलब लेजर के लिए बोल रहे हैं, यहां तो एंट्री मैंने किया हुआ ही है, तो कोई भी एक जगह पे तुम लोग कर सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पहले उसका या फिर इन्वेस्टमेंट का एंट्री कर देते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, उसके बाद ही तो डिवेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट और डिवेंचर का अमाउंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से ये देखो 1,000 है ना, 1,50,000 पे 4% करके 2 months का इंटरेस्ट मिल रहा है 1,000, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बैंक में क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन डेट कौन सा होगा 28th February, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, यहां पर लिख लो एक बार कैसे करके आ रहा है, 1,50,000 4% इंटू 2/12 ये आ रहा है हम लोग का 1,000। ठीक है अच्छा अब ये इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल में होता है, लेकिन पीएल अकाउंट तो हम लोग नहीं बनाए हैं कि उसको वहां ट्रांसफर करेंगे, तो इसका इतना ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
इसके बाद हम लोग जो है डिबेंचर जो होल्डर है उनका इंटरेस्ट पे कर देते हैं। चलो उनका इंटरेस्ट कितना होगा, हाँ यहाँ पर डिवेंचर डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने का एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट डेबिट होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर। और अगर डायरेक्ट पे करके दिखा दोगे तो टू बैंक, तो टू बैंक लिख दो। डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि डिवेंचर होल्डर अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं है कि वहां पर हम लोग पोस्ट कर पाए। तो यहाँ पर 28th फेब को लिख देते हैं। देखो यहाँ एंट्री में भी हो जाता है नेट, ये देखो मैंने क्या लिखा था, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये और ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, नेट एंट्री, तो वही बनेगा। तो हम लोग नेट एंट्री ही पोस्ट कर देते हैं इसीलिए, क्योंकि मैंने डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाया नहीं। हाँ डायरेक्ट पोस्ट कर सकते क्योंकि नेट एंट्री तो वही हो रहा है, और अगर अकाउंट बनाते हो तो फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू बैंक। डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे ना, 10,000 डिवेंचर होल्डर है और पर वैल्यू कितना है, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही हमेशा इंटरेस्ट दिया जाता है 100। इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 6%, कितने दिन के लिए, 2/12। एंट्री अमाउंट तो कैलकुलेट किया हुआ था हम लोग का, कितना हो रहा है 10,000 हो रहा है, चेक करके देखो 10,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वाला जो इंटरेस्ट है ये कहाँ मेरा जो है ट्रांसफर होगा वो बताओ, वो मैंने वहां नहीं लिखवाया, लेकिन यहाँ बोलो कहाँ पर ट्रांसफर होगा। डिवेंचर का इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरा तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो कहाँ पर जाएगा, पीएल में। तो यहाँ पर इसको पीएल में क्लोज कर देते, 28th of Feb 2022 बाई क्या हो जाएगा, पीएल 10,000। ये वाला अकाउंट ना हो गया है क्लोज, कि इंटरेस्ट जितना बाकी था दे दिया, क्योंकि रिडेम्पशन हो जा रहा है तो अब इंटरेस्ट अकाउंट में तो कुछ आएगा नहीं, रिडेम्पशन हो जा रहा है, तो ये हम लोगों का हो गया है क्लोज। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो पैसा आएगा। तो अब इन्वेस्टमेंट सेल करने से एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट नहीं, टू डी आर आई, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट तो नहीं हुआ ना, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का नाम लिख देना क्योंकि नाम है टू डी आर आई। कितने में सेल हुआ है, बोल रहा है पर वैल्यू पे, यानी 1,50,000 हमें मिला है यहाँ पर, नो प्रॉफिट नो लॉस, 1,50,000 का हमें डी आर आई से मिल गया। अच्छा अब डी आर आई अकाउंट में हमें इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। डी आर आई अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, डी आर आई का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRI का अकाउंट बनाया ना, वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैंक, क्रॉस पोस्टिंग ना, बाय क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। 28th of Feb 2022 यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक। 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 1,50,000 में कर दिया उसे सेल। अब देखो ये भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये तो बेच के अब इसको यूटिलाइज करेंगे, यहाँ तो कुछ और नहीं आएगा, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं क्लोज। क्लोज हो गया, अच्छा अब पैसा आ गया। अब डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। मैंने एंट्री क्या बोला, मैंने बोला 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऑलरेडी लिखा हुआ भी है एंट्री, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर। तो हम लोग 6% डिवेंचर टू क्या लिखेंगे, डिवेंचर होल्डर। तो यहाँ पर लिखो 28th of Feb 2022 को क्या लिखना पड़ेगा, टू डिवेंचर होल्डर। अच्छा यहाँ पर कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा, जितने से 6% डिवेंचर डेबिट हो रहा है उतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कॉम्बो एंट्री है ना, कॉम्बाइन एंट्री। तो यहाँ पर कितना होगा, 10,00,000, क्योंकि पर वैल्यू तो 10,00,000 होगा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर होल्डर जो है वहां पर मेरा कितना जाएगा, 1 रुपए करके 10,000 का 10,000 रुपए। ठीक है, तो वो यहाँ पर पोस्ट होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर होल्डर। तो यहाँ पर लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। अच्छा ये वैल्यू हम लोग का आ रहा है 10,000 इंटू 1 रुपीज करके प्रीमियम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला अकाउंट भी हम लोग का क्लोज हो जा रहा है।
टेन लाख का लोन था, 10 लाख हम लोग जिनको देने वाले हैं उनको कर चुके हैं डी, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रीमियम हो गया। अब हमारे पास पैसा वैसा सब अवेलेबल है क्योंकि हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट जो था वो सब सेल कर दिया। अब हम लोग डिवेंचर होल्डर को पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रीमियम का लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा, जो कि मुझे कहाँ से करना पड़ेगा, आज मैंने बोला पीएल से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 28th of Feb 2022, एंट्री क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मेरा राइट ऑफ होगा, तो ये पहले डेबिट था क्रेडिट हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट 10,000, और ये अकाउंट भी हम लोग का क्लोज हो जाएगा, ये अकाउंट भी हम लोग का क्लोज हो जाएगा 10,000 से, इसको भी मैंने कर दिया है क्लोज, ठीक है। तो ये 10,000 से क्लोज हो गया, इसके आगे वाला 10 लाख से क्लोज हो जाएगा, उसके बाद 1,50,000 इंटरेस्ट वाला भी क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बाकी है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो ये देखो अब हम लोग पे कर देते हैं, उसके बाद रिजर्व का ये जो है इसको भी क्लोज कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसको क्लोज करके कहाँ ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में हमेशा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, जितना भी टोटल होगा वो पूरा का पूरा हम लोग का जनरल रिजर्व में जाएगा, 2 होगा, गलती से बाई लिख रहे थे, 2 जनरल रिजर्व 1 लाख। DRR हम लोग का क्लोज हो गया। अब बचा है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। अच्छा, अब जब बैंक अकाउंट जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे, बाई, हाँ बाई डिवेंचर होल्डर। अच्छा, पेमेंट जब करेंगे तो वो कितना करना पड़ेगा, पूरा 101 करके एक एक जन को, मतलब 10,10,000, मतलब 10,000 इंटू 101, ठीक है। कॉम्बो एंट्री तो वैसे ही आया था, तो 10 लाख 10,000। अच्छा, और यहां पर देखो जब हम लोगों ने डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया था टू बैंक बोल के, उसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया था, वो कर लेते हैं, वो हम भूल गए थे, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई, बाई होगा एक्सपेंस है, तो बाई डिवेंचर इंटरेस्ट, वो लिखना भूल गए थे, कितना इंटरेस्ट देना पड़ा था 2 मंथ्स का, 10,000, ठीक है। अब हम लोगों का और तो कुछ बाकी नहीं, अब चेक करेंगे कि हम लोग खर्चा पे करने के बाद हमारे पास बैंक में कुछ बैलेंस बच रहा है कि नहीं, तो 9 लाख का बैलेंस था और इन्वेस्टमेंट बेच के हम लोग के पास 1,51,000 आया था, तो हम लोग के पास टोटल कितना कैश था, मतलब बैंक में बैलेंस था 10,51,000, उसमें से कितना यूज करना पड़ेगा, 10,10,000, तो बचेगा कितना, 41,000 से 10,000 चला जाएगा, तो फिर भी बच जा रहा है कितना, 31,000। ये हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, ये सारे खर्चे पे करने के बाद हम लोगों के पास अभी भी बच रहा है 31,000। बोलो समझ में आ गया, हम लोगों ने स्लोली ही किया क्योंकि चीज आसान है, लेकिन क्या होता है कैलकुलेशन करते वक्त लगता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा कंफ्यूजन होता है इस तरीके की चीजों में, इसीलिए ये लिखना, ये तो यही वाला तो स्टेप पता है, पहले सबसे पहले क्या चेक करें, पहले DRR है, बोलो के की बोल छो, 6% मॉर्गेज अकाउंट है, एक बार देखा भी 6% mortgage. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बोलो स्टेप वाइज ही तो जर्नल एंट्री लिखा है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो बैलेंस पुट कर देना है अगर लेजर है तो, अगर नहीं है तो बैलेंस पुट करने का तो कोई सवाल नहीं, सबसे पहले चेक क्या करना पड़ेगा, DRR और DRI दोनों ही चेक करना पड़ेगा, अब जो भी कम ज्यादा होगा पहले वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग का इस क्वेश्चन में ही ऐसा आया कि यहाँ पर हम लोगों का जो है डिवेंचर इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट रिसीव कब आता है, अगर आएगा तो ये पॉइंट बीच में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। ये देखो लास्ट दिन भी तो मैंने यहाँ पर स्टेप लिखा था ना, देखो DRR सोचो, DRI सोचो, फिर DRI सेल,
फिर डिवेंचर को रिडीम, ये सिंपल सा बात है। लेकिन अगर बीच में मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट आ जाता है तो मेरा स्टेप क्या होगा, पहले डीआरआर क्रिएट, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव का बात था तो इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट को सेल भी कर दिया क्योंकि हमें 28 फेब के लिए रेडी होना है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पे जब करने जाएंगे तब देखा कि डिवेंचर होल्डर को भी तो इंटरेस्ट देना था, तो इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर पीएल नहीं लिखा, वो लिखना ये लास्ट में लिखा नहीं, वो लिखा ही नहीं, वो लिखना चाहिए था, ठीक है, मतलब वो मेरा यहाँ पर छूट गया। मतलब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो और एक एंट्री होता ना, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तुम लोग चाहो तो ऐड कर लो इसको, ये देखो स्टेप में इसको भी ऐड कर लो, अगर तुम लोग को जर्नल एंट्री दे दे तो तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएल डेबिट, जैसे एक्सपेंस को क्लोज करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। फिर इसको 8th नंबर दे दो। अब जैसे ही हम लोग फुल्ली रेडी हो गए कि हाँ हम लोग अब पे कर सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया, डिवेंचर होल्डर को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, जैसे होता है ड्यू करने के बाद उनको पे कर दिया और डीआरआर को क्लोज कर दिया। लेकिन इस बीच इनको पे करने के पहले हमें ये वाला एंट्री करना चाहिए था जो मैंने लास्ट में लिखा है, पीएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो पहले जाएगा। मतलब बेसिकली इसका 9th नंबर हो जाएगा, ये देखो इसका सीक्वेंस में जाएंगे तो ये 9th नंबर हो जाएगा और ये 10th नंबर हो जाएगा और उसके बाद ये मेरा 11th नंबर हो जाएगा। बस ये सीक्वेंस है, सिंपल सा चीज है। पहले डीआरआर डीआरआई चेक करो, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है उसे रिसीव करो, उसे पीएल में सेंड करो, अगर डिवेंचर होल्डर को कोई इंटरेस्ट देना है तो उनको ड्यू करो, उनको पे करो, फिर उनका पीएल में चार्ज करो खर्चा, फिर डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दो। अच्छा, इस बीच में सेल करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को उसके पहले, ठीक है, उसके बाद डिवेंचर होल्डर ड्यू होगा, ड्यू होने के बाद अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम का रिडेम्पशन करवाओ, पेमेंट कर दो, डीआरआर को क्लोज कर दो। समझ में आ गया सीक्वेंस कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन 2 तो हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना बहुत ही आसान सा है, यहाँ ना तो हमें जर्नल करना है ना तो हमें लेजर करना है, लेकिन एक अलग कंसेप्ट से क्वेश्चन बना हुआ है, दो दो लाइन का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज इशूड 1012% कन्वर्टेबल डिवेंचर। मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर मैंने बोला था क्या होता है, बोलो इसका मैं बैलेंस है कि 36,000 है श्लोक काउंटर बैलेंस देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि ये न्यू आया था 2013 के एक्ट में कि अगर कंपनी चाहे तो डिवेंचर होल्डर को, मतलब लोन का पैसा देने के बदले लोन वालों को डिवेंचर की जगह क्या पकड़ा सकती है, इक्विटी शेयर पकड़ा सकती है। तो 12% क्या है, ये इंटरेस्ट का रेट ही है, लेकिन डिवेंचर का टाइप कैसा है, जैसे पहले वाला मॉर्गेज था, ये वाला कैसा है, कन्वर्टेबल डिवेंचर है। डिवेंचर कितना करके है, 100, ये क्या वैल्यू है उसका, फेस वैल्यू, क्योंकि जैसे इक्विटी शेयर का 10 होता है वैसे डिवेंचर का कितना होता है, 100, रिडीमेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। बोल रहे डिवेंचर कितने दिन बाद पे होगा, 5 साल बाद पे होगा। मतलब बोल सकते हो ये कौन से मेथड के अंदर आ रहा है, जो मैंने तुम लोग को नाम लिखवाया था इतना सारा, उसमें से कौन से मेथड के अंडर आ रहा है, पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, परचेज इन ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। लेकिन पार्टली है ये क्वेश्चन, आगे पढ़ने से समझ में आएगा। और ये डिवेंचर रिडेम्पशन जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, देखो ये वाला बोलो, बाय गिविंग स्पेसिफिक नोटिस एनुअल ड्रॉइंग्स आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर एनी, हाँ ये वाला बोला है ना, 5 साल बाद, ऐसा नहीं बोला है 5 साल के बाद कभी भी पे करेंगे, बोला है 5 साल बाद। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 3rd नंबर वाले मेथड में आ जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इश्यूज दिस डिबेंचर्स वेर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 100 के जगह कितना पे करना पड़ेगा, 105 पे करना पड़ेगा। द डिवेंचर होल्डर्स ऑल्सो हैड द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन टू कन्वर्ट 20% ऑफ होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज एट ए प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। इसका मतलब समझाते हैं, बोल रहा है
कि डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा है इक्विटी शेयर मिलेगा, लेकिन उसपे भी कंडीशन दे रखा है. क्या दे रखा है, मान लो एक एक डिवेंचर होल्डर के पास कितना है, मान लो एक डिवेंचर होल्डर के पास 400 डिवेंचर है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर 400 है. क्या उसको 400 का 400 कन्वर्ट हो जाएगा डिवेंचर में, सॉरी शेयर में? नहीं. कितना कन्वर्ट होगा, 20% ऑफ होल्डिंग, मतलब 400 का 20% कितना होता है, 80. तो 80 डिवेंचर का क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर. बाकी बचा कितना, 80%, यानी कितना होता है, 320. ठीक है, इसके बदले उनको क्या लेना पड़ेगा, कैश, मतलब पैसा लेना पड़ेगा. लेकिन एक मतलब ऐसा नहीं कि फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली 20% अपने होल्डिंग का कोई कन्वर्ट करवा सकता है. अच्छा, कन्वर्ट करवाने पे जो शेयर मिलेगा उसका फेस वैल्यू कितना है, 10, और उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 20, मतलब प्रीमियम कितना हो गया इस पे, एंड बैलेंस इन कैश, ये देखो, एंड बैलेंस इन कैश. ठीक है, मतलब 20% कन्वर्ट करवा लो, 80% के लिए क्या लेना पड़ेगा, कैश लेना पड़ेगा, मतलब पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, है ना. अगर 100% कन्वर्ट करवाने का ऑप्शन होता तो फिर वो क्या हो जाता, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर. डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग 20,000 ऑप्टेड टू गेट देयर डिवेंचर कन्वर्टेड. एक जन के पास 20,000 रुपए का डिवेंचर था, उन्होंने ये क्या किया है, गेट देयर डिवेंचर कन्वर्टेड, उन्होंने अपने डिवेंचर को कन्वर्ट करवाया है, ठीक है, इनटू इक्विटी शेयर एज पर टर्म्स ऑफ द इश्यूज, इशू के टाइम पे. मतलब ये कितने कन्वर्ट करवा सकते हैं, 20% ही कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी कितने रुपए का, 4,000 शायद, इतने रुपए का जो इनको 4,000 मिल जाता. अगर मान लो ये कन्वर्टेबल नहीं होता तो 4,000 रुपए देना पड़ता कंपनी को, 4,000 नहीं उससे ज्यादा देना पड़ता, 105 करके बोल रहा है, 20% जितना हो रहा है उसके बदले इनको क्या मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड कैश पेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ 20,000 डिवेंचर होल्डर. तो हमें क्या बोला है, सिर्फ 16,000 कैश होगा और नंबर ऑफ डिवेंचर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, कैश तो हम लोग का हो जाएगा 16,000, नहीं होगा उससे ज्यादा होगा, क्योंकि 100 रुपए करके तो हम लोग नहीं दे सकते हैं ना, कितना देना पड़ेगा, वो तो 100 रुपए के हिसाब से बोल रहे हो, क्योंकि ये जो है 20,000 ये कैसे दे रखा है, डिवेंचर बोला है ना, तो पर वैल्यू बोल रखा है, तो हमें इस पे कितना लगाना पड़ेगा, ये 80% करने से कितना हो रहा है, 16,000, इस पे और कितना लगाना पड़ेगा, 5% लगा दो, 5 रुपए मतलब जितना होता है, तो 5% पे जितना होगा उतना, 5% ही तो 16,800, 5% ही तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना हम लोग, और ये 4,000 नहीं होगा, इसका कैश देने से कितना होता है, इस पे भी 5% लगाना पड़ेगा, 4,200 होगा. ठीक है, अब ये 4,200 जो इनको मिलने वाला है उसके बदले हम लोग उनको क्या देंगे, शेयर देंगे. ठीक है, अब हम दिखाते, देखो कैसे कैलकुलेशन करना है, हमें किस चीज का निकालने बोला है पता है, सिर्फ ये 20,000 जो डिवेंचर है उनका कन्वर्जन कैसे होगा वही हमें पूछा. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड कैश पेड फॉर, सभी के लिए नहीं, फॉर रिडेम्पशन ऑफ 20,000 डिवेंचर होल्डर, मतलब 20,000 रुपए का डिवेंचर को रिडीम करने के लिए कंपनी को कितना शेयर देना पड़ेगा और कितना कैश देना पड़ेगा, बस हम लोगों को यही कैलकुलेट करके बताना है. तो देखो कैसे करके होना चाहिए, हम तुम लोग को ऐसे दिखा देते, तुम लोग फिर उसको थोड़ा अच्छे से चाहो तो प्रेजेंटेशन कर लेना, या फिर ऐसे भी करते हो तो भी चलेगा. देखो इलास्ट्रेशन 3, यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर होल्डर अमाउंट फॉर डिवेंचर होल्डर कितना हो रहा है, 20,000. ठीक है, अच्छा इसका रिडेम्पशन वैल्यू निकालेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू मतलब इस डिवेंचर को रिडीम करने का हमारा कितना पेमेंट होता है, कितना होगा, 20,000 रुपीज में दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब कितने सारे डिवेंचर का बात हो रहा है बोल सकते हो, नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर कितना हो रहा है, यहां पर निकाल के दिखाते, बोलो नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर कितना हो रहा है,
नंबर ऑफ डिवेंचर लिखते हैं, नॉट होल्डर, ठीक है? क्योंकि होल्डर एक इंसान भी हो सकता है, ये इतने सारे डिवेंचर का दो भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता. नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना हो रहा है? अगर टोटल वैल्यू 20,000 है, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू हमेशा कुछ नहीं बोले तो 100 होता है, बाकी क्वेश्चन में बोल रखा है कितना हो रहा है 200. तो हमें कितने सारे डिवेंचर का रिडेम्पशन निकालने बोला है 200. अब रिडेम्पशन वैल्यू कितना होता है 200 डिवेंचर का? 200 डिवेंचर को हमें 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा, जितना लिया है वो तो वापस करना ही है, प्लस हमें और कितना देना है 5 रुपीज करके एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा? ट्वेंटी वन थाउजेंड. ये मैंने क्या निकाल लिया? अभी टाइप ऑफ डिवेंचर छोड़ ही दो, अगर मुझे अपने डिवेंचर होल्डर को रीपे करना है तो मुझे उसको कैश, मतलब मुझे उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, मतलब आउटफ्लो मेरे अकाउंट से कितने का होगा? टोटल 21,000 का, जिसमें 1,000 क्या है प्रीमियम और ये क्या है पर वैल्यू. चाहो तो यहाँ पर लिख लो पर और यहाँ पर क्या है प्रीमियम. और मैंने देखो क्लैरिटी के लिए तुम लोग को नंबर ऑफ डिवेंचर करके दिखा दिया, क्योंकि 20,000 वैल्यू का हमें निकालने बोला है, एक का पर वैल्यू 100 होता है, तो इसका मतलब 200 डिवेंचर का बात हो रहा है. अब क्योंकि ये कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है, अब कन्वर्टेबल डिवेंचर है, यहाँ पर लिखते हैं 21,000. अब इसमें कितना कन्वर्ट हो जाएगा 20% और कितना नहीं होगा 80%. तो 20% कन्वर्ट और 80% नॉट कन्वर्ट. अच्छा, तो वैल्यू निकालो 21,000 का 20 और 80%. 20% का वैल्यू कितना आ रहा है 4,200 और 80% का, जो कि नॉट कन्वर्ट या फिर नॉट कन्वर्टेबल जो भी लिखो, 16,800. ठीक है, तो जो कन्वर्टेबल नहीं है तो उनको कितना पैसा दे देंगे? 16,800 पेड इन कैश. ठीक है, कैश बोला या लैंग्वेज क्या यूज किया है देखते हैं. यहाँ पर बैलेंस इन कैश है, तो इनको इतने का क्या दिया जाएगा? पेड इन कैश 16,800 हम लोग कैश दे देंगे, क्योंकि हम लोग तो पूरा प्रीमियम के साथ ही वैल्यू लिख रखे हैं. मुझे अगर 21,000 का रीपेमेंट करना है तो हम 16,800 का कैश दे देंगे. और मुझे बोला था इतने अमाउंट 20% का जितना भी वैल्यू होगा उसके बदले हम दे सकेंगे शेयर. ठीक है, अब एक शेयर कितना दो वैल्यू बोल रखा है, प्रीमियम और पर वैल्यू, तो बोलो किससे कंपनी कंपेयर करेगी? क्या लगता है 10 से कि 20 से? नहीं, 20 से, क्योंकि मेरे अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू 20 रुपीज चल रहा है, मुझे किसी को 20 रुपीज देना है, तो हम अपने प्रोडक्ट का कितना पीस देंगे, एक या दो? एक ही देंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का एक्चुअली वैल्यू 10 है, लेकिन प्रोडक्ट मेरा अच्छा चल रहा है, उसका वैल्यू कितना हो चुका है 20 हो चुका है. अगर मुझे किसी को 20 रुपीज देना है लेकिन उसके बदले हम वो प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो क्या मेरा प्रोडक्ट का एक्चुअल 10 है, तो क्या हम उसको दो प्रोडक्ट देंगे कि एक ही देंगे? एक ही देंगे. तो हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, इस 10 और 20 में 10 क्या है पर वैल्यू और 20 क्या है इशू प्राइस. ठीक है, तो यहां पर देखो 4,200 अगर मुझे किसी को देना है तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड 4,200 डिवाइडेड बाय रुपीज 20, कितना हो जाएगा 210 आ रहा है. ठीक है, 210 शेयर्स. मुझे कितने सारे शेयर्स देने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 210 नंबर ऑफ शेयर्स मुझे देना पड़ेगा. मतलब सिंपल सा लॉजिक है. देखो, मुझे अगर किसी को 20 रुपीज देना है तो हम उसे कितना सारा शेयर देंगे? एक. मुझे किसी को 1 रुपए देना है तो कितना सारा शेयर देंगे? तो मुझे किसी को अगर 4,200 रुपए देना है तो हम उसको कितना सारा शेयर देंगे? 4,200 बाय 20. इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अमाउंट मुझे रीपे करना है डिवाइडेड बाय ऑलवेज इशू प्राइस. ये नोट डाउन करो, कभी भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होगा. इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं. देखो, ये हमेशा होगा अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. ठीक है, हमेशा डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होगा. ये कंपनी इशू प्राइस, ये देखो, मतलब
ये 20 पे हो रहा है ना इशू, 20 पर शेयर, मतलब मार्केट के लिए वो प्रीमियम वैल्यू पे चला गया, मतलब इशू प्राइस, ठीक है, मतलब लिस्टिंग किस पे हुआ, शेयर का लिस्टिंग गेन हुआ, 10 का शेयर 20 में चला गया, तो लिस्टिंग गेन हो गया, देखो ना प्राइस अब 20 पर शेयर, ये मार्केट का ही प्राइस है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ तो ये मेरा इशू प्राइस हो गया, तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, ठीक है, तो ये यहां पर याद रखने के लिए, इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली। अच्छा, अगर ये पॉइंट समझ में आया तो सेम हम लोग बस इसमें इतना ही करने बोला था, ठीक है, बाकी प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है ठीक ठाक ही हुआ हम लोग का, खराब तो कुछ हुआ नहीं है। अब देखो हम लोग ऐसा ही सेम और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम लोग कर पाओ, ये देखो यहाँ पर आ जाते हैं एक बार, ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर वन करेंगे, जो कि सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर वन। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए कंपनी हैड इशू 20,013% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1st April 2021, द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1st July 2022, the term of issue of debenture provided that they were redeemable at premium of 5% and also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share nominal value 10 at a price of 15 per share. मतलब क्या बोला है यहाँ पर देखो कि एक कंपनी है जिसने 20,000 shares issue sorry debenture issue कर रखे थे 13% debenture और एक एक debenture का face value कितना था 100, कब issue किया था 1st April 2021 में, the debenture were due for redemption, debenture को redemption के लिए due कब किया जा रहा है, 1st July 2022 को, द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वेर रिडीमेबल, लेकिन टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने में रिडीम होगा, 5%, मतलब 100 के जगह कितना देना पड़ेगा, 105, और इसके अलावा और एक ऑप्शन भी है, ये लोग चाहे तो कन्वर्ट कर सकता है, सेम टाइप ऑफ डेटा दिया हुआ है, कितना 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर, पूरा नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, अगेन पार्टली पेड शेयर, और जो इक्विटी शेयर है उसका नॉमिनल वैल्यू तो 10 है, लेकिन जो इशू प्राइस है वो कितना है 15 करके, डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 2500 डिवेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब ये देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इतने डिवेंचर तो होल्डर टोटल थे जिसमें से 2500 ऐसे डिवेंचर होल्डर है जो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे, ये ऑप्शन मतलब ये थोड़ा कन्वर्ट कर लो और थोड़े का पैसा ले लो, ये ऑप्शन ये लोग नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो नहीं लेना चाहते, तो कितने पे ये ऑप्शन फिर एप्लीकेबल होगा बाकी लोगों पे, तो बाकी लोग कितने हो रहा है चेक करो, माइनस करके मुझे बताओ, बाकी 17,500 मैम, अच्छा 17,500, अब इन पे ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है सिर्फ इतने लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो 17,500, तो अब हमें कैलकुलेट क्या करने बोला है, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी एलोटेड टू द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम, बोल रहा है कि जिन्होंने ये ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है उनको कितने सारे इक्विटी शेयर देना पड़ेगा वो बताओ, मतलब 17,500 डिवेंचर के ऊपर हमें कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग तो ले ही नहीं रहे हैं, तो जैसे जैसे अभी किया वैसे ही तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, एकदम आसान सा ही है, बस जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो तो मैंने बता ही दिया, माइनस करके होगा, तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 20,000, लेस कर दो डिवेंचर होल्डर नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, जो कन्वर्जन नहीं चाहते, या फिर लिख सकते हो डू नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो भी लिख सकते हो, ऐसे लोग कितने हैं 2,500, तो बच्चे कितने 17,500, ठीक है, अब इनका हमें कैलकुलेशन करके दिखाना है, अब ये 17,500 जो है इनपे कितना कन्वर्ट होगा 20% कन्वर्जन, और नॉट कन्वर्जन, नॉट कन्वर्ट 80%, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं कि वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमेशा डिवेंचर वैल्यू निकालो, रिडेम्पशन वैल्यू निकालो, ठीक है, रिडेम्पशन वैल्यू नहीं निकलेगा तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि पैसे देने के बदले हम लोग शेयर देंगे, तो कितना टोटल देना पड़ेगा पहले वो निकालो, 17,500 को 100 तो देना ही था, प्लस कितना देना था 17,500 इंटू 5, ये अमाउंट उनको पे करना था रिडेम्पशन वैल्यू, तो कितना हो रहा है देखो
ये कितना होगा मल्टीप्लाई करने से? और ये वाला ये टोटल करने के बाद और टोटल करने के बाद ये वाला हम कर लिए थे, ये वाला तो 183.7 नहीं मेरा पता नहीं ठीक है 18,37,500 ठीक है मैंने ओरली क्या वही सोच रहा है सही किया कि नहीं 18,37,500 इतना पैसा कंपनी के पास होना चाहिए ठीक है तब जाके वो इन लोगों को रिडीम कर पाएंगे। अब इनका रिडेम्पशन कैसे होगा? अब ये पैसा हमें कैसे देना है? इस पैसे का मुझे 20% का क्या देना है इक्विटी शेयर और इस पैसे का 80% मुझे क्या देना है कैश देना है। तो इसका 80% निकालो कितना होता है? और ये 20% कितना होता है? 3,67,500 तो देखो ये पैसा मुझे कैसे देना है? ये तो पैसा दे देंगे डायरेक्टली कैश पे कर देंगे और ये जो है इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अब बोलो कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। मुझे 3,67,500 किसी को पेमेंट करना है लेकिन हम कैश के थ्रू से नहीं पे करेंगे, हम दे रहे हैं उसको एक शेयर जो कि कितने का है 15 का है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना आ रहा है 24,500 शेयर्स ठीक तो ये देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे रिडेम्पशन वैल्यू करके दिखाया, तुम लोग चाहो तो 17,500 को दो पार्ट में डिवाइड करके फिर कर सकते हो, एक ही बात है जैसा करना चाहो दोनों तरीके से हो जाता है। समझ में आए कन्वर्जन का क्वेश्चन कैसे होगा? बस देख लेना है कि सारे लोग अवेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एक माइनस, अगर डायरेक्ट 20,000 पे करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन में ऐसा था तो गलत हो जाएगा ठीक है, वैसे नहीं हमें करना है। अच्छा ये आसान सा ही है लेकिन आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग फिर से यही आ जाते हैं इलास्ट्रेशन 4 कर लेते हैं ठीक है। देखो बोल रहा है The balance sheet of B company limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC as at 31st March 2021 is as under, ठीक है? अच्छा क्या क्या बोला है? इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सबका नोट्स बना हुआ है तो नोट्स देखना पड़ेगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें भी नोट्स बना हुआ है, ट्रेड पेबल में नोट्स नहीं बना हुआ है ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अच्छा फिर यहाँ पर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, चलो नोट देख लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल 30,000 है, 10 इज फुल्ली पेड बोल रहा है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है 20,000, 10 इज फुल्ली पेड। फिर बोला है रिजर्व सरप्लस में पीएल है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिर्फ डिवेंचर है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कैश एंड बैंक बैलेंस में इनके पास कैश एट बैंक भी है, कैश इन हैंड भी है। एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वॉज रिजॉल्व, बोल रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग में इन्होंने क्या देखा, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 110 rupees शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाई ऑल द शेयर होल्डर। बोल रहा है कंपनी ने एजीएम में एक डिसीजन लिया, क्या लिया है? बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर है उनको एक ऑप्शन दिया है, किस चीज का? बोल रहा है कि परचेस कर सकते हैं 1 ₹10 का शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। मतलब अगर किसी के पास होल्ड कितने सारे शेयर है, 4 शेयर है, तो वो न्यू कितना शेयर ले सकता है? 1 शेयर ले सकता है ठीक है, जो कि 110 शेयर एट 15 में ले सकता है, हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये किनको मिलेगा? बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जिनके पास शेयर था, मतलब बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उन्हें ही सिर्फ ये ऑप्शन मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला। अच्छा फिर बोल रहा है द ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर ने ये ऑप्शन लिया हुआ है। चलो फिर बोल रहा है टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड। अच्छा अब इन्होंने बोनस कैसे दिया है? बोल रहा है
कि एक बोनस मतलब फ्री, हाँ चार के पांच के बदले, ठीक है, टू रीपे द डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 3%, और इनको डिवेंचर को भी रीपे करना है कितने परसेंट प्रीमियम में, बोल रहे हैं 3%, मतलब 100 के जगह कितना देना पड़ेगा, 103 हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करते सबसे पहले कंपनी ने एक ऑफर दिया है कि वो अपने शेयर होल्डर को बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास पुराना 5 शेयर है, सॉरी ये तो बाद में होगा क्योंकि यहाँ पर हमें पहले क्या कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा बोनस का, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर बोनस शेयर दे दिया है फॉर एवरी फाइव शेयर हेल्ड, ठीक है। अच्छा तो पहले हम लोग बोनस का एंट्री कर लेते हैं, तो बोनस शेयर जो है, अच्छा एक सेकेंड, ये वाला शायद राइट शेयर बोल रहा है, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो ऑप्शन टू परचेज वन, अच्छा ये बोला है प्रायर, प्रायर मतलब तो आगे हो जाएगा, हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर मुझे यही वाला पहले करना पड़ेगा क्योंकि बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, प्रायर बोला है, ठीक है चलो, तो यही वाला पहले होगा। तो पहले क्या करना है, पुराने जितने भी शेयर होल्डर है, देखो पुराने कितने शेयर होल्डर है, पहले देखो 20,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, तो 20,000 शेयर जो है, देखो सभी ने ये ऑप्शन लिया है, तो 20,000 शेयर्स पे कंपनी शेयर इशू करेगी, कितना शेयर इशू करेगी, बोल रही है 4 शेयर्स जो है दिया जाएगा, अगर मतलब एक शेयर दिया जाएगा अगर किसी के पास ओल्ड शेयर कितना है 4, तो ओल्ड कितना होना चाहिए 4, तो न्यू कितना मिलेगा 1, तो 20,000 अगर ओल्ड शेयर है क्योंकि सभी ने ये ऑप्शन लिया है, तो कितना सारा कंपनी को शेयर इशू करना पड़ेगा, 5,000, है ना, 5,000, तो कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इन्होंने जो एक नया मतलब जो स्कीम लगाया है उसके हिसाब से कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितना शेयर देना पड़ेगा, 5,000, और वो लोग खरीद भी रहे हैं, 10 का शेयर कितने में खरीद रहे हैं, 15 में खरीद, ये नॉर्मल सा बात है, कंपनी ने एक ऑफर दिया है, लोग ले रहे हैं, तो हमें उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, खरीद रहा है, अगर अच्छा कंपनी का शेयर होगा क्यों नहीं खरीदेगा, ये राइट इशू नहीं बोला है, नॉर्मल बोल रहा है, नॉर्मल इशू दिया है, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला है कि 10 का शेयर 15 में ले लो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इलास्ट्रेशन 4, अब ये देखो कंपनी का यहाँ पर एट 15, अब देखो मार्केट प्राइस क्या होगा वो तो हमें बोला नहीं है ना, हो सकता है मार्केट प्राइस इससे कम ज्यादा हो, वो भी तो हो सकता है, तो 10 तो क्या है, 10 है हम लोग का नॉमिनल वैल्यू, अब 15 में कंपनी उनको बोल रहा है लेने के लिए, अब मार्केट वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो इनके लिए तो बेनिफिट ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल, जर्नल करने बोला है, जर्नल ऑफ बीईई बी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, बी कंपनी लिमिटेड, डेट जो कि है नहीं इस क्वेश्चन में लेकिन फिर भी मैंने कॉलम बना लिया है तो छोड़ो, डेट हाँ बना लो रहने देना, ठीक है, क्योंकि जर्नल के फॉर्मेट में तो आता ही है ना, तो फिर डेट लिखने पे लिख लेना चाहिए, अब नहीं होगा तो नहीं भरोगे, अगर होगा तो भरना पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इक्विटी शेयर इशू कर रहा है कंपनी, कितना सारा इक्विटी शेयर इशू कर रहा है उसका हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते, तो मुझे लगता है 2 पेज में मेरा हो जाएगा, हम पहला यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते, वर्किंग नोट नंबर 1, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड ये लिख लेते हैं ऐसे करके, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि यही बोला है देखो 1/4 इंटू जितने सारे शेयर, क्योंकि बोला है 4 के बदले 1, 20,000, ठीक है, 30,000 कभी नहीं लेना है, वो ऑथराइज्ड है, इशू जितना है वही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो सकता है ना, बाकी तो जो है अन मतलब क्या बोले उसे अन इशूड, बाकी अन इशूड है, तो ये कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। अच्छा अब इसका हम लोग एंट्री करेंगे कि 5,000 शेयर इशू कर रहा है कंपनी और बदले में कितना मिलेगा कंपनी को, एक शेयर के बदले 15 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब कंपनी पैसा कैसे रिसीव करेगा, देखो यहाँ पर हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग नॉर्मल जो है पहले एप्लीकेशन के एंट्री
नहीं करके डायरेक्ट एंट्री कर देते, डायरेक्ट 15 से ही एंट्री कर देते बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें तो कुछ बोला नहीं है। अगर बोलता तो बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल, ऐसे करके करते, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो डायरेक्टली ही कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, लेकिन इसमें प्रीमियम का पैसा भी तो मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। डायरेक्टली दिखा तो दे रहे बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फिर कैसे होगा? नहीं, डायरेक्ट करेंगे तो फिर हाँ दिखा सकते हैं, फिर ऐसे होगा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, कितना कितना आ रहा है, 5000 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा, 75,000, और यहां पर आ जाएगा 5000 इंटू 10 50,000, और 5000 इंटू 5 25,000। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन देके तुम लोग लिखना चाहते हो बाय चांस तो ऐसे भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर लिख देना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वैसा भी चाहो तो लिख सकते हो, मैंने एक ही बार में लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसमें लेकिन नैरेशन लिखना तुम लोग का जरूरी रहेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री है तो नैरेशन तुम लोग आई होप की लिख पाओगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ है, ये ट्रांजेक्शन तो हो गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी भी बोला है कि कंपनी बोनस इशू करेगी 5 के बदले 1, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड देख लेते, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड कितना होगा, वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड। अच्छा, कितना बोनस शेयर इशू होगा, कंपनी ने बोला है कि ओल्ड अगर 5 है तो एक बोनस मिलेगा, मतलब 1/5 इंटू कितना करना पड़ेगा बोलो, बोलो इंटू कितना करना पड़ेगा, कितने, देखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है जो कि 20,000 तो है, यहां पर बोला है हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी टोटल कितना सारा शेयर हो गया, पहले 20,000 था अभी कितना हो गया 25, तो इंटू कितना करेंगे 25, तो देखो कितना होता है 5,000। ठीक है, और बोनस वैल्यू, वैल्यू ऑफ बोनस वो भी निकालेंगे, 5,000 इंटू कितना हो जाएगा, जितना करके बोनस शेयर का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो जो शेयर का वैल्यू चल रहा है पर वैल्यू वही मानेंगे, कितना है 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50,000, और बोनस इशू करने का मतलब होता है कि रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज्ड करना। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं रिजर्व सरप्लस में इनके पास क्या है, इनके पास पीएल में कितना है 1,20,000। अच्छा, जो हम लोग यहाँ पर कैपिटलाइज्ड करते हैं उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते थे बोनस के चैप्टर में याद है, देखो जिन्होंने नहीं किया उनको तो थोड़ा सा याद नहीं हो, क्योंकि उनको तो याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किया नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया है उनको तो याद होगा, बोलो, क्योंकि ये बीच में आ गया तो क्या कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं और क्या करें। देखो सारे फ्री रिजर्व ले सकते हैं, लेकिन हमें कौन कौन सा पहले ले लेना चाहिए, सबसे पहले सीआरआर, ठीक है, अगर है तो, क्योंकि उसका यूज ओनली बोनस इशू के लिए होता है, किसी और चीज के लिए नहीं होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, और क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी नहीं आता है, कैपिटल रिजर्व होगा, और बाकी सारे फ्री रिजर्व। पहले रेस्ट्रिक्टेड वाले को यूज करना चाहिए क्योंकि उसका यूज कहीं नहीं होता है, तो क्वेश्चन में सीआरआर नहीं है, कैपिटल रिजर्व नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश अभी अभी दिखा, तो इसका यूज करेंगे सबसे पहले, फिर कम होगा तो पीएल से लेंगे, पीएल में तो भरपूर है, हमें चाहिए 50,000 के करीब, जबकि इनके पास पीएल में कितना पड़ा है 1,20,000, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले प्रायोरिटी मिलेगा ना, जो भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है उसको पहले यूज करते हैं, तो क्या एंट्री होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 25,000,
और उसके बाद बाकी कहाँ से ले? पीएल से बाकी तो और कुछ है नहीं हम लोग के पास. पीएल से कितना लेना पड़ेगा? 25,000, क्योंकि मुझे कितने रुपए का बोनस इशू करना है? 50,000. टू क्या हो जाएगा? टू बोनस टू शेयर होल्डर. लास्ट दिन भी शायद थोड़ा सा बोनस का बात आया था तो मैंने बताया भी था. टू बोनस टू शेयर होल्डर कितना हो जाएगा? 50,000. ठीक है, इसमें नरेशन क्या होता है? इसमें नरेशन होता है बीइंग बोनस, हाँ, या फिर बीइंग बोनस कॉल मेट, ये भी होता है. अच्छा, अब इनको शेयर दे देंगे तो क्या एंट्री होगा? बोनस टू टू इक्विटी कैपिटल. बोनस टू शेयर, क्योंकि पैसा तो नहीं मिल रहा है, पैसा मिलने से तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है. बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो, ये भी हो गया, ये ए और बी पॉइंट हम लोगों ने कर लिया. एक तो इन्होंने कुछ शेयर इशू किया था, उसके बाद बोनस इशू कर दिया. अब बोल रहा है डिवेंचर वाले को पे करेंगे कितने से? 3% पे. मतलब डिवेंचर के क्वेश्चन में अभी डिवेंचर आया. ठीक है, हम लोग तो टॉपिक डिवेंचर वाला कर रहे हैं, तो मिक्सडअप करके भी दे सकता है. तो डिवेंचर रिपे करना है तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे. ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर पहले डीआरआर देखेंगे. सबसे पहले क्या देखेंगे? डीआरआर. तो डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. तो देखते हैं इनका डीआरआर क्रिएटेड है कि नहीं. अगर क्रिएटेड होगा तो रिजर्व सरप्लस में दिखेगा, जो कि नहीं दिख रहा है. तो डीआरआर बनाओ, कितना बनेगा? जितना आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है उसका तो कितना होगा? 12,000. तो बनाओ डीआरआर अकाउंट डेबिट, सॉरी डीआरआर अकाउंट डेबिट बोल रहे हैं. डीआरआर तो क्रेडिट होगा जब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनेगा. ठीक है, तो पीएल से बनेगा. तो बनाओ पीएल डेबिट टू डीआरआर. ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर कितना बनेगा? 12,000. मतलब 1,20,000 का 10%. ठीक है, अच्छा, ये डीआरआर बन गया. और यहां पर डीआरआई क्या इन्वेस्टमेंट कुछ भी बना हुआ है? नॉन करेंट में पीपीई है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट तो कुछ बना हुआ नहीं है. अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा. इन्होंने तो यहाँ पर ऐसा एंट्री दिया ही नहीं. अच्छा, एक सेकंड रुको, डिवेंचर. ठीक है, चलो हम लोग अपना बनाते हैं, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा ही ना. ठीक है, चलो हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो बनाना पड़ेगा. तो अब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बन गया. अब इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट परचेस करने का एंट्री क्या होगा? बैंक, सॉरी, इन्वेस्ट डी आर आई डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. हाँ बोलो. लास्ट पेज दिखाइएगा। हाँ, दिखाते. टू बैंक कितना परसेंट होगा? 15. हाँ, तो 15% कितने का होगा? जितना डिवेंचर रिडीम हो रहा है सारा ही हो रहा है. तो 1,20,000 का 15 कितना हो रहा है? 18. बनाओ 18,000 का. हाँ हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर कितना इस पे कितना बनता है? 15%. तो कितना हो जाएगा? 18,000. तो डीआरआई भी बन गया. अच्छा, तो हम लोग अपने स्टेप वाइज ही चलेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों ने डीआरआर बना लिया, जो कि बना हुआ नहीं था रिडेम्पशन के लिए. फिर डीआरआर के बाद हम लोगों ने डीआरआई भी बना लिया. अब हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवेंचर को ड्यू कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये जो रिजर्व बनाया है, सॉरी, ये जो इन्वेस्टमेंट बनाया है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, कोई भी एक एंट्री कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग करो ड्यू एंट्री भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पर ना 1, 2, 3, 4 तो लिखा ही नहीं है. अच्छा छोड़ो, तो यहाँ पर ये यहाँ तक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पर ड्यू करो 12% डिवेंचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट कितने का डिवेंचर था? 1,20,000. अब रीपे कैसे कर रहे हैं? 3% प्रीमियम के साथ. तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन.
डेबिट कितना हो जाएगा इसका? 3% 1,20,000 का 3% कितना होगा? 600. टू क्या हो जाएगा? डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स. तो कितना हो रहा है? 1,23,600. अब इस क्वेश्चन में ना हमें कोई इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट जो ये दिखाने का जरूरत, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं हम लोगों ने कितने परसेंटेज वाला इन्वेस्टमेंट खरीदा, क्योंकि था नहीं तो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया. तो यहाँ पर मान के चलेंगे कि सभी इंटरेस्ट पेड है और सभी इंटरेस्ट रिसीव्ड भी है, क्योंकि हम लोगों को पता तो है ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट कितने इंटरेस्ट वाला है. अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रीमियम को क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर दो. तो क्या एंट्री हो जाएगा? पीएल. हाँ, पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड. अच्छा, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं. चलो ठीक है, ये ड्यू कर दिया. अब हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं. देखो, इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री ये दोनों के पहले कर सकते हो या ये दोनों के बाद कर सकते हो, कोई भी एक सीक्वेंस. मतलब हम लोग पहले ड्यू कर दिया, अब इन्वेस्टमेंट बेच रहे, ऐसा भी हो सकता है. या इन्वेस्टमेंट बेच दिए फिर ड्यू कर रहे, एक ही बात है. लेकिन जब भी ये करोगे प्रीमियम होगा तो साथ ही साथ ये कर लेना. ये जब भी करोगे दोनों को पेयर में करना है, ठीक है, ताकि गलत ना हो जाए, भूल ना जाओ. और जो सेल का एंट्री है वो तुम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे या फिर इसके नीचे करो, कोई भी एक अप्रोच हम लोग ले सकते हैं. अब हम लोग ड्यू कर दिए हैं तो पैसा देना पड़ेगा. पैसा देने के लिए सबसे पहले हम लोग जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट बनाए थे उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे. बोलो, इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री क्या होगा? बैंक टू डीआरआई, नाम लिखना पड़ेगा उसका जो भी. हाँ, टू डीआरआई तुम लोग पूरा लिख सकते हो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. कितने का था इन्वेस्टमेंट? अब देखो, हमें तो कुछ बोला नहीं है, तो जितने का बनाए थे हम लोग वही मान लेंगे. हम लोग खुद से तो नहीं बोल सकते कि 18,000 का इन्वेस्टमेंट 20 में बेच दिया या 15 में बेच दिया, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते. हम लोग लॉ के हिसाब से जस्ट क्रिएट कर सकते हैं. बेच दिया, अब हमारे पास पैसा आ गया. पैसा आने से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवेंचर होल्डर को पे कर सकते हैं. तो क्या एंट्री होगा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना पे करना था? 1,23,600. और एंड में क्या करना है? डीआरआर को हमें कर देना है क्लोज. कहां पर? जनरल रिजर्व, ऑलवेज जनरल रिजर्व. ये वाला, ये पीएल में नहीं होता, ये हमेशा जनरल रिजर्व में जाता है. क्योंकि पीएल में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये डे टू डे का प्रॉफिट थोड़ी है, ठीक है. तो डीआरआर कितना का बना हुआ था हम लोग का? 12,000 ना. देखो, चेक करो एक बार. तो फिर 12,000 का डीआरआर का पूरा ही हम लोग का कहाँ चला जाएगा? जनरल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है. तो ऐसे हम लोग कर सकते. बाकी जस्ट ये वाला सीक्वेंस तुम लोग ऊपर लेके जा सकते हो या फिर ऐसा भी फॉलो किया जा सकता है, इसमें भी कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है. तो देखो, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं देगा कि डीआरआर बना हुआ है कि नहीं, डीआरआई बना, तो हम लोग सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग जितना बनाना है उतना बना देंगे डीआरआर, और डीआरआई भी उतना बना देंगे. लेकिन इस पे इंटरेस्ट वगैरह हम लोग रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट का बात हो रहा है. तो हम लोग सिर्फ डीआरआई बनाएंगे और उस डीआरआई को एज इट इज कर देंगे सेल, ठीक है. अच्छा, अब एक चीज देख लो, क्या इनके पास इतना पैसा हुआ जो ये लोग पे कर सकते? देखो, इनके पास बैंक बैलेंस में कितना था? 2,30,000, ठीक है. और इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच के कितना कमा लिया? 18,000. तो टोटल इनके पास, हाँ, 18 कितना हो जाएगा? तो इनको चाहिए कितना था? 1,00,000. तो वो आराम से बैंक बैलेंस से ही हो जाता. लेकिन अगर इन्होंने ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का पैसा काम में लगाया होगा, बैंक बैलेंस मतलब बैलेंस करोगे तो पैसा बच ही जाएगा, ठीक है. ये यूज कर लिया होगा, बाकी जो कम ज्यादा हो रहा था यहाँ से यूज कर लिया होगा, तो फिर इसीलिए पैसे का कमी नहीं हो रहा है, पैसा है, ठीक है. तो ऐसे करके हम लोग का एंट्री हो गया. तो देखो, पहला एंट्री हम लोग का राइट इशू की तरह बोल सकते हो, मतलब शेयर इशू हुआ उसका था. इसके बाद ये वाला एंट्री बोनस का था. इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एंट्री स्टार्ट हुआ, जिसमें पहले डीआरआर क्रिएट, देन डीआरआई क्रिएट, देन डिवेंचर को ड्यू किया, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ किया,
फिर इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया, डीआरआर का सारा अमाउंट हमें जीआर में ट्रांसफर कर देना, ये हमेशा जीआर में जाएगा। अच्छा पीएल का भी देख लेते, कहीं कम ज्यादा यूज तो हम लोगों ने नहीं कर लिया। पीएल मेरा कितना था टोटल 1,20,000, उसमें से कितना यूज हुआ देखो, पहले यूज हुआ है 25,000, उसके बाद फिर से 12,000, अच्छा और कहीं यूज हुआ, हाँ 3,600, और कुछ नहीं भाई देखो तो बच जाएगा मुझे लगता है। हाँ मतलब अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अवेलेबल नहीं था फिर भी एंट्री कर दिया, अवेलेबल था ठीक है। अच्छा ये वाला तो हम लोग का यहाँ इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं यहाँ पर। अब ये कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, अमाउंट क्रेडिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मे बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस, क्या जो डीआरआर में अमाउंट कंपनी डालती है क्या वो उसको किसी पर्पस में यूज, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर के पर्पस में यूज करेगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड वाला बताओ, सेकेंड वाले में क्या बोला है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब AIFI रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स नीड नॉट क्रिएट एनी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब बेसिकली बोल रहा है AIFI जो कि रेगुलेटेड बाय RBI है और बैंक, क्या इनको DRR क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि तुम लोग देखो जो मैंने तुम लोग को ये बना के दिया था ना स्ट्रक्चर, देखो वहां पर उनका डीआरआर और टीआरआई दोनों ही ब्लैंक है, तो ये आसानी से याद रह जाएगा। इसका लॉजिक भी मैंने बताया था, क्योंकि बैंक का ना अपना अलग रूल्स होता है, बैंक ये इस तरीके का कंपनी के एक्ट के अंदर नहीं चलता है, उसका RBI का रूल्स होता है या फिर बैंकिंग एक्ट होता है, तो इसीलिए हाँ इसीलिए देखो ये दोनों में ही क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये वाला हमें हाँ मतलब ये हम लोगों का आंसर फिर सही दिया हुआ है, मतलब ये हम लोग का ट्रू है, ऑप्शन टू का ट्रू हो गया। चलो अब थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या दिया है, अंडर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड, अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर का पेमेंट कर रहे हैं, द पेमेंट ऑफ एंटायर डिवेंचर इज मेड इन वन लॉट, बोल रहे हैं तो क्या एक ही बार में सारा पे कर देंगे, हाँ तो फिर ये तो बात ही कॉन्ट्राडिक्टेड कर रखा है, एक तो बोल रहा है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे, फिर ऊपर से बोल रहा है एक ही लॉट में सारा पेमेंट कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो पूरा कॉन्ट्राडिक्टेड बात कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। एट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर DRR शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हाँ इतना बार तो कर रहे हैं, हमेशा कहां पर जाना चाहिए, जनरल रिजर्व में जाना चाहिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू बोल रहा है, डिवेंचर होल्डर इज ओनर ऑफ कंपनी, क्या ये ट्रू है, नहीं फॉल्स, डिवेंचर होल्डर हाँ कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ऐसा कोई बात नहीं है कि कंपनी लिक्विडेशन का मतलब क्या, कंपनी बंद होने पे डिवेंचर होल्डर को थोड़ी ना मिलता है, जो टर्म है वो खत्म होने पे जैसा बोला था उसके बेसिस पे मिलता है, तो हमें ट्रू पूछा था, तो इसका मतलब यही आंसर होगा, देख लेते क्या बोले, डिवेंचर इश्यूड एट अ डिस्काउंट एंड कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, हाँ हो सकता है, कंपनी ने पब्लिक से लिया 90 रुपीज और पे किया उसको 110, ऐसा हो सकता है, कंपनी को अगर पैसे का काफी ज्यादा जरूरत है तो अपना लॉस करके भी डिवेंचर डिस्काउंट में इशू करेगी और ऊपर से रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम पे करेगी, तो इसका आंसर हम लोग का सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, अब बोल रहे हैं कि कौन सा फॉल्स है ठीक है, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन लम सम एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, बोलो ये सही है कि गलत है, लम सम मतलब एक साथ में सारा पेमेंट एट एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, हाँ कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है, लमसम मतलब बोल दिया कि 5 साल बाद हम पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे, तो ऐसा वो बोल ही सकता है, तो ये ट्रू है, लमसम का मतलब तो वही हो जाता है ना 5 साल बाद, टर्म लोन के तरह, लमसम का मतलब हो जाता है टर्म लोन के तरह। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी, यही वाला हम लोग का फॉल्स है, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब ही तो वही इंस्टॉलमेंट ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट का बात थोड़े देर पहले यहाँ पर कर रहा था, फॉर डिवेंचर मतलब आंसर कौन सा होगा फिर, बी, अच्छा
फॉर डिवेंचर इशूड बाई अनलिस्टेड कंपनी. अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है लेकिन वो अनलिस्टेड कंपनी क्या है, AIFI भी नहीं है, बैंकिंग कंपनीज या NBFC HFC नहीं है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विल बी कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ इट इज 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू, 10% वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज इशूड थ्रू पब्लिक इशू. मैम लगता है सी होगा. सी होगा. इतना सारा तुम लोग DRR क्रिएट किए, कितना परसेंट किए? मैम 10% होगा ना मैम. 10% होगा. इतना सारा क्वेश्चन करने 5% कैसे बोल रहे? 5% का कोई रेट ही नहीं था, दो ही रेट है, एक 10 और एक 15. DRI का 15, DRR का 10. कितने सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. 5% का तो कोई यहाँ पर रूल्स ही नहीं था पूरे चैप्टर में, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 10%. अब ये जो लिखा है इससे क्यों कंफ्यूज्ड हो रहा है, 10% ऑफ व्हाट? जो जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, तो डिवेंचर किसको इशू किया गया था? पब्लिक को. तो वही तो बोला है, डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू. पब्लिक इशू मतलब जो पब्लिक को ऑफर किया गया था. फोर्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है. A company has issued 6% debenture for 10 lakh, interest being payable on 31st March and 30th September. मतलब क्या बोल रहा है, कंपनी ऑलरेडी इशू कर रखा है 6% debenture, कितने में? 10 lakh rupees का, ठीक है. और कंपनी ने इंटरेस्ट कैसे देने का सोचा है, एक बार 31st March को और एक बार कब, 30th September को. मतलब ईयर में कितना बार दे रही है, दो बार. मान लो ये अगर मेरा 31st मार्च है, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट का डेट कब आएगा, 30th ऑफ सितंबर का. द कंपनी रिडीम 10,000 रुपीज 10,000 डिवेंचर एट 96x इंटरेस्ट. बताते हैं इसका मतलब, ये टॉपिक है नहीं तुम लोग का, फिर भी यहाँ पर दिया है तो बताते हैं. कंपनी ने क्या किया है, 10,000 डिवेंचर रिडीम किया है इसमें से, लेकिन कैसे रिडीम किया है, बोल रहा है 96 रुपीस में. एक इंटरेस्ट का मतलब है कि इसमें 96 रुपीस में सिर्फ डिवेंचर का वैल्यू इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है. मतलब इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे मान लो कि हम थोड़ा सा शेयर के साथ एग्जांपल दे रहे हैं. मान लो तुम लोगों के पास एक शेयर है, जिसका शेयर नहीं, चलो डिवेंचर ही मान लेते. मान लो तुम इसके पास एक डिवेंचर है, ये पर्सन के पास एक ही डिवेंचर है, ठीक है. और आज जो डेट है ये है हम लोगों का 25th of April. कंपनी अब 30th सितंबर को इंटरेस्ट देने वाली है, ठीक है. अच्छा, इस बीच में अगर कंपनी क्या कर रही है, मान लो कंपनी अगर अपना डिवेंचर जो है वो क्या कर रही है, रिडीम कर रही है, मतलब कैंसिल कर रही है, ठीक है. तो कंपनी बोल रही है वो कितना पे कर रही है, 96, जिसपे बोल रहा है कि इंटरेस्ट का वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं है. अब यहाँ पर मान लो कंपनी, ये इंटरेस्ट आ रहा है, अब मान लो कंपनी रिडीम करेगी 30th सितंबर है तो. अच्छा, इसका डेट कैसे ले, ताकि ये एक्स इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझ में आए. जैसे एक्स इंटरेस्ट का मतलब एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है. 30th सितंबर को कंपनी को इंटरेस्ट देना था, और इसके बाद अब मान लो इसके बाद कब इंटरेस्ट देगी, 31st ऑफ मार्च को फिर से, ठीक है. अब इस बीच में मान लो कंपनी ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ले लेते, मान लो 30th ऑफ नवंबर को कंपनी ने रिडेम्पशन का सोचा है, तो क्या कंपनी को इस पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट लास्ट कब मिला था इनको, 30th ऑफ सितंबर को. अब इसके बाद कब मिलने वाला था, 31st ऑफ मार्च को, लेकिन कंपनी बोल रही है हम कब इंटरेस्ट मतलब कब रिडीम कर देंगे, 30th ऑफ नवंबर को कर सकता है. तो फिर कंपनी बोल रहा है कि इस पीरियड का इंटरेस्ट कंपनी को उसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा. जैसे हम लोगों ने आज पहला वाला क्वेश्चन किया, 2 months अगर उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया तो देना पड़ेगा. तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर का पैसा तो देना ही पड़ेगा, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. अगर उस पैसे को इस वैल्यू में जोड़ा हुआ रहता है तो हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव कम इंटरेस्ट, ठीक है. क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इंटरेस्ट. मतलब यहाँ पर डिवेंचर का इंटरेस्ट का कोई अमाउंट दिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर का वैल्यू बता रहा है, ठीक है. मतलब डिस्काउंट हो गया. देखो 100 रुपीज का नॉर्मली क्या होता है, डिवेंचर का वैल्यू होता है. कंपनी डिवेंचर को कितने में रिडीम कर रही है, 96, एक एक डिवेंचर को, ठीक है. कब कर रही है, अब देखो वही हो रहा है ना, 30th सितंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला था सितंबर, और अगस्त कब आएगा इसके,
पहले। अच्छा तो यहाँ पर ये 1st अगस्त 21 का बात हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 2021, ये डेट फिर कौन सा होगा, 31st मार्च 2021 ही होगा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब इंटरेस्ट यहाँ मिलने वाला था उसके पहले कंपनी यहाँ रिडीम कर रही है, तो कंपनी को यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो कंपनी जो इंटरेस्ट होगा वो दे देगी, लेकिन इसमें इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन कंपनी एक एक डिवेंचर के बदले कितना देगी, 96 प्लस इंटरेस्ट भी देगी। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर का वैल्यू बता रहे, कंपनी कितना लौटा रही है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, ये एक्चुअली कैंसिलेशन है क्योंकि कंपनी अचानक से डिसाइड कर रही है और उसको जो है मतलब गिविंग बाय नोटिस, ये वाला जो है ना नोटिस देके कि हम अपना डिवेंचर कैंसिल करना चाहते हैं इस तरीके से, तो 96 देना पड़ेगा। कितना सारा डिवेंचर था, 10 लाख, तो कितने सारे डिवेंचर थे उसके लिए हमें डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है क्योंकि यही हम लोग का पर वैल्यू होता है। बोलो कितना होगा, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर पे कितना दे रही है, तो 10,000 × 96 करो, 9,60,000। लेकिन एटलीस्ट कितना देना चाहिए था कंपनी को, 10 लाख तो देना चाहिए था, तो कितना कम दे रही है। मैम একটা ডাউট আছে ম্যাম, বলছি 96 যে অ্যামাউন্টটা ওটা তো ওটাতে ইন্টারেস্ট তো ইনক্লুডেড না, তো ইন্টারেস্ট আলাদা ক্যালকুলেট হবে, ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেশন এখানে করতে দেয়নি, তো ইন্টারেস্ট ইনক্লুডেড না নয় এখানে কোনো অসুবিধা নেই। ইন্টারেস্ট ওটা জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমাদেরকে বললাম কি বলেছে। আচ্ছা ম্যাম, 1st অগস্ট 21 কি আমাদের ইন্টারেস্টটা পে করতে হবে? হ্যাঁ 1st অগস্ট 21 এর আগে আসে না, তাহলে ম্যাম 39 ওটা ইন্টারেস্ট পে হবে না। তোমার লোন ধরতে তোমার লোনের ইন্টারেস্ট ছিল 30 সেপ্টেম্বর, তুমি তার আগে লোনটা যদি ক্লোজ করে দাও তাহলে কি তোমার থেকে ব্যাংক ইন্টারেস্ট চাইবে? তুমি যেদিন ক্লোজ করবে অতদিন পর্যন্ত ইন্টারেস্ট চাইবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা अब देखो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कैंसिलेशन में प्रॉफिट या लॉस कितना है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो 100 माइनस 96, 100 के बदले हम लोग 96 दे रहे हैं। हाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है पर डिवेंचर पे, प्रॉफिट 4 रुपए, 100 के बदले हम लोग 96 दे रहे हैं। सिंपल सवाल, पर डिवेंचर पे प्रॉफिट कितना कर रहा है कंपनी, 4 रुपीज। टोटल डिवेंचर कितना था? अच्छा ये 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 करने से कितना हो रहा है, एक बार फिर से चेक करो। 10,000 ही हो रहा है, तो 10,000 × 4 कितना होता है, 40,000, लेकिन यहाँ दे रखा है 400 दे रखा है। ओ रीडिंग तो 10,000 कर रहा है, सॉरी हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितने सारे डिवेंचर रिडीम हो रहा है, 100 डिवेंचर, तो 100 डिवेंचर पे कितना प्रॉफिट होगा, एक पे 4 रुपए, तो 100 पे कितना होगा, 400। तो ये आंसर ठीक है, हम तो इस पे पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा तो रिडीम नहीं हो रहा है, रिडीम कितना हो रहा है, 10,000 रुपीज का डिवेंचर, यानी टोटल 100 डिवेंचर रिडीम हो रहा है। कंपनी 100 के बदले कितना दे रही है, 96, तो कंपनी के लिए। अब रहा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, कंपनी को 96 तो देना ही पड़ेगा, वो हमें पूछा नहीं है। अब इंटरेस्ट अगर देना है तो कितना देगा, यहाँ पर अभी आज ही किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग, मार्च के बाद क्या हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो होगा वो कंपनी को देना पड़ेगा। कितना देगा इंटरेस्ट, 10,000 डिवेंचर का वैल्यू इंटू कितना हो जाएगा, 6% रेट है, इंटू कितना हो जाएगा, 5/12, तो देखो कितना होता है, 4 मंथ्स का होगा शायद, अप्रैल मई जून जुलाई, मैम अगस्त के तो 1st तारीख को बोला है। अच्छा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 मंथ्स होगा, गलत लिख दिया मैंने, सही है 4 मंथ्स करो, 2,000 or 200 आ रहा है। अच्छा तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा 96 × 100, ये तो देना ही पड़ेगा, मतलब 9,600 प्लस कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट,
ओ सॉरी 200, तो कितना हो जाएगा 9800। लेकिन ये दोनों ही एंट्री अलग अलग होता है। अगर मेरा इंटरेस्ट के साथ ये वैल्यू बता देता तो मुझे इंटरेस्ट को अलग करना पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट अलग दिखाना पड़ता है और जो डिबेंचर का रीपेमेंट है वो अलग दिखाना पड़ता है। इवन प्रीमियम का भी हमें अलग एंट्री करना पड़ता है, हर एक चीज का अलग अलग एंट्री करना पड़ता है। लेकिन अगर वैल्यू का पता करना है तो डिबेंचर के टूवर्ड्स देना पड़ेगा 9600। डिस्काउंट है तो प्रीमियम का बात तो आ ही नहीं रहा है, और इंटरेस्ट का एंट्री तो आज ही करवाए। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर पीएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसे करके क्लोज हो जाएगा। और अगर इस 96 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता तो तुम लोग को क्या करना पड़ता, मान लो 96 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, दैट इज 9600, फिर वहां से तुम लोग को माइनस करना पड़ता इंटरेस्ट कितना 200, क्योंकि इंटरेस्ट कितना होता, अगर इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होता तो कितना होता, अभी तो इंटरेस्ट निकाला ना 200, तब ये ऑब्वियसली 96 नहीं होगा, कुछ और होता वैल्यू, लेकिन हम समझा रहे हैं तो तुम लोग को माइनस करना पड़ता। जो भी हो, हमें तो पूछा था कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए प्रॉफिट है। कंपनी अगर 100 रुपए की जगह किसी को 96 रुपए दे रही है तो 4 रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का कौन सा दो क्वेश्चन बाकी रह गया ना, एक लिब्रा लिमिटेड वाला और ये थर्ड नंबर। तो ये थर्ड नंबर वाला तुम लोग कर सकते हो। अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया इलास्ट्रेशन 3, और इसमें कोई भी फर्क नहीं है एक्सेप्ट अमाउंट को छोड़ के। थर्ड नंबर वाला, सेकंड वाला शायद नहीं कर पाओ, वो मुझे करवाना पड़ेगा लिब्रा लिमिटेड वाला। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय ম্যাম। বলছি আমাদের এক্সাম যখন হবে তখন অ্যাকাউন্টস তো আমাদের 100 মার্কসের হবে, তো 100